सो विचार ना दूसरा डंडा है। सो ये विचार चित विच करनी, इन्ना समा हो गया है मैनू जम्मे नू, इन्नी उम्र मेरी गुजर गई, इन्ना समा संगत करदे नू हो गया है, मेरे विचो भला किन्ने औगुण दूर हो, मैं किन्ने गुण ग्रहण किए ने, मेरे अंदरों किन्नियां कुरीतियां मिटियां ने, मैं किन्ने सुगुण धारण किया है, मेरा मन किन्ना एकाग्र ते काबू विच है, मैं कोई परोपकार किया जो जम्मिया है, कोई नेकी कोई भलियाई कोई चंगा काम मेरे तो हुण तक कोई होया भी है कि नहीं, जिन्ने मेरे को पाप उपद्रव होए ने मैं उन्होंने कोई प्रायश्चित किया है कि मैं उन्होंने मुआफी वास्ते कोई यत्न किया है, जे नहीं किया तो करा। सो अवगुणा का त्याग करने का ख्याल और शुभ गुणा ने हृदय ग्रहण करने की जी इच्छा है, यह सोहनी विचार से दूसरा डंडा। दूसरा डंडा आप भी अपने चित विचारना है, आप कई साल तो लैके लगातार इतने आ रहे हैं जोड़ मेले से, आप विचारी अपना जीवन अगे ना कि सुधरे, जिन्ना आप तरक्की की गुण ग्रहण किए ने, आप साल मगरों एक ही अवगुण इतने छड़ जाया करिए, एक गुण ही लै जाया करिए, साल विच एक गुण बहुते ना सही, पांच दस बहुते ना सही, एक ही अवगुण छड़ जाया करिए, जे बहुते छड़न का भी हिया नहीं, जे एक गंद पिल साडे गलों लाउण का भी साडे विच बल नहीं ते हिया नहीं, तां एक पाप ही छड़ जाया करिए, एक गुण ही ग्रहण कर जाया करिए, वड्डी दात मिल जाएगी, वड्डा खजाना कदे प्राप्त हो जाएगा, बलामता दूर हो जाएगियां। जे असी नहीं कर सकते आपो तो बेनती करिए गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों में, सच्चे पातशाह काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो, ए पीतल ते इनको डारो, अपने लिखत बुलावो, अपनी बेद आप जनावो, अपनी प्राप्ति की विधि युक्ति तरीका सच्चे पातशाह आप सानू दसो। सो गुरु प्यारे ए दूसरा डंडा है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी वो वड भागी पाए।